हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद खान फिर से आपके साथ हाजिर हूँ नए ब्लॉग में गांव से शहर चैनल में। और कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिल्ली चला गया था लास्ट ब्लॉग के बाद, तो मैं आपको अपडेट भी नहीं दिखा पाया हमारे एक्वेरियम की कि उसको मैंने जो स्टैंड जो था उसका मैंने उसको सेटअप करवाया था, क्योंकि वो मेरे जाने के बाद हुआ था। मैं निकल गया था अर्जेंट में, फिर सोहेल था यहाँ पर, तो सोहेल ने यार अभी रेबिट से इधर मैं आपको बाद में दिखाऊँगा, अभी नहीं कुछ और बताना भी आपको। वेरी डिसअपॉइंट, मतलब इसके तो बेचारे की गलती है भी नहीं कुछ की, वो हुआ है कुछ ऐसा मैं अभी नहीं बता रहा। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि मैं रात को आया था, सुबह हमने कबूतर खोले थे, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ये रहे हमारे सारे कबूतर, अभी खाना वाना डाला था इनको, और अभी मैं और सोहेल जा रहे हैं। बता दो सर, बताया कुछ नजीब भाई? हम जा रहे हैं नजीब भाई के पास, जिनके पास हम पहले गए थे कबूतर ले गए थे, उनके पास जा रहे हैं अभी। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हुआ सेटअप पे। आप लोगों को जान के बड़ी हैरानी होगी, और आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी मेरे को, आप लोग मेरी बहुत हेल्प करेंगे जानने के लिए। अभी मैं निकलता हूँ, आपसे मिलता हूँ बाद में। तो फिलहाल गाइस, मैं और सोहेल जन घर से निकल चुके हैं। सोहेल बता क्या लेना है हम लोग यहाँ पे? हैं इधर देख के बताना, मोली फिश। असल में क्या, हमने नजीब भाई को बताया कि हम उनके लिए सरप्राइज लेके आ रहे हैं। एक सरप्राइज हमने उसके इसके अंदर रखा है उनके लिए, और हम यहाँ से मोली फिशेस ले रहे हैं। तो उनको बताया नहीं कि हम लोग आ भी रहे हैं, तो अभी हम लिम के लिए कुछ लेते हैं फिश वगैरह, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं नजीब भाई के घर पे अभी, और हमें आते ही मालूम चला कि नजीब भाई ने कबूतर का बहुत बड़ा सेटअप कर लिया। पहले के वीडियोज़ में देखा होगा आपने कि छोटा सेटअप था, बट इन्होंने बहुत बड़ा सेटअप कर लिया। मैं एक बार आपको एक नज़र दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए कि नजीब भाई है, आप इनसे मिल सकते हैं। हेलो गाइस, नजीब भाई बोल दो हमें सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। और आप हमारे ये देख लीजिए गाइस, नजीब भाई का विजिट भी करें, ये आप देख लीजिए, इनका शौक कर लीजिए इनके जानवरों का आप एक बार। और इन्होंने पूरा यहाँ पर सेटअप पूरा तैयार कर दिया, इन्होंने आगे तक इसको ले लिया सेटअप को, और अभी ये दाना खिला रहे जानवरों को। और अभी मैं जस्ट अभी आया हूँ, तो मुझे देखने को मिला नजीब भाई कन्नूर का भी एक पेड़ लेके आए हैं, रेड फिल्टर पाइनएप्पल फेनूर है। अभी मैं देखा, मुझे मालूम नहीं था, इन्होंने बताया नहीं था मुझे, अभी देखा ही। ये देखिए आप गाइस, बड़े खूबसूरत है, और पहले ही मेरे फेवरेट हुआ करते थे, बट मैं कभी ला नहीं पाया इनको। बट एक बार जब मेरा भी सेटअप रेडी हो जाएगा तो मैं भी लेके आऊँगा, और जल्दी ही होने वाला है आपको मालूम ही है। और उसके बाद ये हमारे जावा फिंच, ये भी नजीब भाई अभी जस्ट कुछ दिनों पहले लेके आए हैं, और इन्होंने यहाँ जो है ब्रीडिंग नेस्ट तैयार कर लिया इसके अंदर, और इन्होंने खुद ने जो है पूरा तैयार किया, आप देख सकते हैं। ये वाइट जावा फिंच, जावा फिंच उसके अंडे भी हैं अंदर। अच्छा, उसने दे दिए क्या एक? हाँ, उसने दिखाओ यार, ले जाओ अंदर। अब लो इन्होंने एक भी दिए अंदर, माशाल्लाह। नजीब भाई के यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको एकदम क्लियर, तो बहुत ही अच्छा सेटअप नजीब भाई का इधर है, इन्होंने अच्छे से सेटअप किया हुआ है। और मैं एक बार आपको नीचे का भी एक नज़ारा दिखा, ये देखिए गाइस, ये रही जो हमारे पास भी है, ठीक है, रेगुलर फिंचेस इनके पास भी है। इनके पास एक वाइट में भी एक पेयर है, और नॉर्मल जो होता है वाइल्ड कलर उसमें भी इनके पास जो है ये रहा। और सबसे खूबसूरत जो मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाऊंगा, जो मेरी फेवरेट है, ये कौन सी ब्रीड है नजीब भाई? ये है सोसाइटी फिंच, सोसाइटी फिंचेस, बंगाली बेंगोलीज सोसाइटी फिंचेस। और हमारे यहाँ पे एक सरप्राइज यहाँ पर हमको भी देखने को मिला। पहले तो आप इसका देख लीजिए, ये रहा पेयर, और इन्होंने जो है इसके अंदर, नजीब भाई दिखा दो क्या? ये देखने देखिए, एक बच्चा अभी हमारे अंडे से पहले जो है इन्होंने इस एक अंडे ने ले किया, और इनका बच्चा निकल चुका है इधर। और उसके साथ साथ अच्छा 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 पहले क्लच का बच्चा, अच्छा वो यही बच्चा इनका, इनके घर का ही है। और नजीब भाई ने यहाँ पे वाइट डव्स रखी हुई है, और उसके साथ साथ डायमंड डव्स भी रखी हुई है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ डायमंड डव्स, ये देखिएगा इस, ये नजीब भाई के डायमंड डव्स, बहुत ही खूबसूरत, ये मेरी फेवरेट है, मैं भी लेके आऊँगा बहुत जल्दी। और हम नजीब भाई के लिए गिफ्ट लेके आए थे हमारे घर से, या हमारे घर के लिए हम नजीब भाई के लिए लेके आए। और वो जो फिशेस थे वो कहाँ पे नजीब भाई?
हमने सोचा नजीब भाई के लिए कुछ लेके चलो, तो ये हम नजीब भाई के लिए ले गए। नजीब भाई कैसा लगा आपका? बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। नजीब भाई ने हमसे फरमाइश की थी तो मैं इनको बोलने लगा कि मैं लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ बस, तो मैं इनके लिए लेके आया हूँ। नजीब भाई इसको जल्दी से जल्दी जो है उनको आप शिफ्ट कर दीजिए किसी भी, है ना। तो ये पूरा सेटअप मैंने आपको दिखाई दिया, मेरी फेवरेट डायमंड डस्ट भी मैंने आपको दिखा दिए। बहुत जल्दी आपको ये हमारे सेटअप भी देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो मिलता हूँ आपसे भी आ गया। तो अभी भी जैसे हम घर पहुँचे हैं और घर पहुँचने के बाद मैं कुछ लेके आया था तो उनको भी मैंने नीचे रखा है। तो पहले मैं सोचा एक बार आपको ये दिखा दूँ। अभी ये सब कुछ लास्ट टाइम जब मैं आया था तो सब गंदे हो रहे थे क्योंकि बारिश का सीज़न था। मैंने सफाई भी की थी, आपको बताया था मैंने लास्ट व्लॉग में, आपने देखा होगा। अभी ये सब साफ़ हो चुके हैं सब के सब, डेली ये लोग नहा रहे और सब अच्छे से सफाई भी हो गए। और वो बताऊँ अपने सब्सक्राइबर को क्या हुआ था छत के ऊपर? सोल बताया गया, बता दो आपने। बता क्या हुआ? बता तू, बता तू, बता तू, बता तू, बता। तो हुआ क्या गाइस, अभी 4-5 दिन पहले जब मैं यहाँ नहीं था, मैं दिल्ली था, छत पे हमारी हुई चोरी। और उस चोरी के अंदर मेरे कई पेट्स गए छत के ऊपर से। तो मैं आप लोगों को एक बार ब्रीफली बता देता हूँ कि हमारे यहाँ जिस पीछे किसी मकान का काम चल रहा है तो वो इस तरह से छतों पर से कूद कूद के वो लोग आए और उन्होंने आधी रात को इसको खोला। क्योंकि आपको देखा होगा आप, हम लोग इस पर लॉक तो लगाते नहीं हैं, वैसे ही सिर्फ कुंडी बंद कर देते हैं। तो उन लोगों ने जो हमारे मतलब सेटअप के जो सबसे बेस्ट बेस्ट कबूतर थे ना वो निकाल के ले गए। आपको मालूम होगा पहले यहाँ की जो पिलंकी थी जो दूर दूर चली जाती थी टावर पर बढ़ी जाती थी, वो भी ले गया। कुछ पट्टे थे हमारे, बच्चे थे बड़े थे, वो ले गया। प्लस इसमें खरगोश था हमारा, ठीक है, तीन थे आपने देखे होंगे, दो ही बच्चे, एक वो खरगोश भी ले गया। थैंक गॉड के ऊपर हमारी बिल्ली नहीं थी तो वो बिल्ली लेके नहीं गया, चलो ठीक है। बट दुख हुआ वो जितने कबूतर लेके गए ना सारे मेन मेन थे। तो सर कुछ मालूम चला कि नहीं चला? तू देखने गए थे तो कुछ पता चलूँगा? हैं, दूर का है कोई, दूर का ही कोई या फिर उसके पास अभी तक पड़े? तो तेरे को क्या लगता है कुछ आएंगे उसमें से वापस? पिलंकी आएगी, आ सकती है ना। अभी ये मैं आपको सुबह बताने वाला था, बट मैं देखा नहीं, मैं बाद में बताऊंगा पूरा ब्लॉग रिकॉर्ड करने के बाद। तो ये हुआ, चोरी हुई। तो मेरे आप लोगों से यही उम्मीद है कि आसपास के जो लोग मुझे देखते हैं, जो शौक रखते हैं जानवरों का, पेट्स का, तो आप लोग जो है थोड़ा सा तलाश करो। आपने मेरे पेट मेरे कबूतर आप लोगों ने देखे भी है तो किसी के पास मिलता था आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, कमेंट करके आप बताएं मेरे को कि शायद भाई हमने आपके कबूतर ऐसे ऐसे शख्स के पास देखे, तो हम खुद जाके उससे मिलेंगे, हम बात करेंगे। बट दुख हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए यार किसी के यहाँ चोरी। आप आ जाओ हमसे मांग लो, हम गिफ्ट कर देंगे। बट है ना, ये चोरी करना, किसी के घर में घुसना अच्छी बात थोड़ी है ना। तो ये बताना था आपको, पेट्स में चोरी हुआ, उसमें तकरीबन उसने 8-10 कबूतर चोरी किए मेरे ऊपर से। तभी मैं जयपुर आया हूँ अर्जेंट, आप देख लो अभी बाकी सब ठीक है, बाकी तो और क्या, साफ हो गए सब। ये लोग नहा के बारिश में थोड़े से गंदे हो गए थे बस, और तो कुछ नहीं। और मैं जो लेके आया हूँ अभी वही मेरे ड्रीम बर्ड्स में से ये, अभी नीचे आपको जाके मैं दिखाता हूँ। तो जस्ट अभी गाइस मैंने आया हूँ नीचे, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या लेके आया हूँ। फिर व्लॉग को भी इसको एंड करना है ना क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, शायद आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो जो डायमंड डव नजीब भाई के घर पर थी वो मैं ले आया, उन्होंने मुझे वहीं दे दिया था। मैंने कहा था ना वीडियो में कि बहुत जल्दी आपको हमारे सेटअप पर भी आपको डायमंड डव देखने को मिलेगी, तो देख लीजिए आप। मैं ले आया इनको घर पे, आपको बहुत करीब से भी एक बार दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ दिख जाए आपको। देख लीजिए भाई, ये रही दोनों डायमंड डव्स इसके अंदर, ठीक है। और पापा जो है ना, पहले हमारे पास ये एक ही कॉकटेल था गाइस, तो पापा क्या किया है, एक तो ये फीमेल लिया है और इसके साथ दो बजरी तोते भी लिए हैं। पापा ने भी गिफ्ट दिया हमें पहली बार, पापा लेके आए थे, दिखाते हुए बड़ा आप लोगों को दिखाई गाइस, ठीक है। आपको दिखी गए हमने डव दोनों नीचे बैठी है, ठीक है। और ये हमारा मेहमान बन के आया है, इसका नाम जेक है, यही पर्सन गेट है, काफ़ी अच्छा है, कुछ दिन में चला जाएगा वापस। ये जेक आ जा। तो फाइनली गाइस मैं ब्लॉग को करता हूँ यही ख़त्म, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द से जल्द। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कम सब्सक्राइबर है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ जल्द से जल्द 1000 हो जाए हमारे।
और फिर हम लोग पार्टी करें। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में हमें बताया करें कि आपको क्या देखना है। आप हमें कुछ सजेशन भी दे सकते हैं कि हम क्या रख सकते हैं। तो ठीक है, टाटा भाई, मिलता हूँ फिल्म, अल्लाह हाफिज़, बाय। कोई शक नहीं, गरी चेक नहीं, बीबा जट दिया चले सरदारी।